यहाँ पे गांव में क्या होता है, यहाँ ये होता है कि आप लोग कैसे हो, आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग ब्लॉग फोर बनाने जा रहे हैं और एक ऐसे प्लेस पे आए हैं जो कि बहुत ही अननोन प्लेस है, यहाँ पे जल्दी कोई आता नहीं है और यहाँ पे काफ़ी अच्छा गांव है, पूरा धान वान देख ही सकते हो, यहाँ पे कट रहा भी। और यहाँ पे बोला जाता है कि बरसात के दिनों में बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, सुंदरता दिखती वो नदी का। तो अभी चलते हैं उस प्लेस पे, कैसा कैसा नहीं है, सब लोग तो बोलते बहुत ही अच्छा है। अभी गांव वाले लोग से कुछ पूछे यहाँ का नॉलेज के बारे में, तो बोले इस बरसात के दिन में ये काफ़ी अच्छा दिखता है, वाटरफॉल ऊपर से एक कुआँ टाइप से और अंदर में एक टनल बना हुआ है जिससे लोग वहाँ पे कूदते नहाते हैं और उससे निकलते अलग ही जगह से निकलते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस है, बहुत अच्छा लगेगा, गाँव के बीच में जहाँ पे देख सकते चारों तरफ खेती खेती है। तो चलते अभी बस वहीं, देख सकते हो चारों तरफ धान लगे हुए हैं गाँव के बीचों बीच में, और ये एक पूरा प्योर देहात गांव में है एक यहाँ पे। और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं जो जानते हैं इस प्लेस को, वो लोग ही आते हैं, देख सकते हो आगे से आ रहे हैं टूरिस्ट लोग, रांची की है, कोई फॉरेनर लोग तो नहीं है। अब तो देखते क्या है, वैसा क्या बात है इस नदी में, कैसा लोग आते हैं यहाँ पे देखने के लिए। तो हम लोग फाइनली पहुँच ही गए लगभग लगभग, तो देखते हैं नदी सामने ही है। कहता हूँ आप लोग को यहाँ पे गाँव में क्या होता है, यहाँ ये होता है कि देखिए धान वान जो रहता है वो काफ़ी कट करके अलग किया जाता है, वहाँ पे है। धान कट करके रखा हुआ है और उसको भी निकाला जा रहा है वहाँ पे। और चलते हैं, थक गए काफ़ी, और हम लोग गाड़ी उधर लगा हुआ बहुत दूर। देखते हो फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं, और पानी बहुत कम है गर्मी की वजह से, अब कुछ दिनों से रांची में बारिश भी नहीं हुई है तो बहुत ही कम है। हम लोग इसका फोटो वोटो देखे थे तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, कुआं टाइप से, और अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं, बस नॉर्मल खेत, खेत के बाहर ये, और जो वहाँ पे जो दिख रहा है टनल, वहाँ से आदमी लोग निकलता था उसके, जो दूर पाइपलाइन जो दिख रहा है इसी से सब निकलते, जो लोग वहाँ पे नहाने के लिए कूदते हैं। और वो कुआँ है इसके पास, मतलब इसके बनाया गया था कुआं टाइप से, और उसमें गांव के लिए बारिश का पानी इकट्ठा करके खेतों के लिए यहाँ पे पानी दिया जाता था, और वो दो जो पाइप का जो बनाया गया था वो टनल टाइप से, तो उसमें लोग कूदते हैं और उसी से पानी भी निकलता है और लोग भी निकलते हैं उसी से। और वहाँ पे तो पूरा सूखा था तो कुछ दिखा नहीं पाए, वैसा यहाँ पे है भी नहीं जो दिखाने लायक। तो अभी हम लोग जाते हैं कुछ गाँव का नज़ारा लेते हैं,
क्या है नहीं है, गांव भी बहुत दिन से नहीं आए हुए थे, तो चलते हैं, मज़ा आएगा। फिर भी देखिए बोरिंग था आप लोग आई नो, बट फिर भी ये बहुत दिन से डाला नहीं था, तो सोचा कि आज क्यों ना ये ब्लॉग को भी। गांव में एक खेत बैठे हुए और पूरा गांव वाला फील आ रहा है, पूरा गांव में जो होता था धान कटाई ये सब। अभी यहां पे कुछ फोटो वोटो क्लिक करेंगे और कुछ देर रेस्ट करेंगे क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा है। और हम लोग गांव में घूम रहे थे तो देखा हमको एक चीज़ वहां पे, वहां पे कोई सोया हुआ है जो खेत का पहरेदारी कर रहा, और हम लोग अभी डिस्टर्ब नहीं करेंगे नहीं तो गाली वाली मिल जाएगा यहाँ पे। और एक चीज़ गांव में ये मिला, ये रांची में जल्दी मिलता नहीं है कुद्रुम, इसको खाया जाता है और अच्छा लगता है, इसका टेस्ट खट्टा मीठा भी लगता है। और गांव में कुछ दिखाने लायक तो है नहीं, बस धान कट रहा है और कुछ नहीं यहाँ पे। अच्छा ही है गांव, थोड़ा बहुत घूमने लायक है और शांति प्लेस है पूरा पीस। और अभी चलते हैं और कुछ मिलेगा तो दिखाते हैं आप लोग को, कुछ दिखाने लायक नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं। एक चीज़ और मिला, ये रहा ब्रिज जो गांव नदी पार करके इस पार से उस पार आते हैं। पता नहीं ये ब्रिज शायद बंद हो चुका है और नीचे तो काफ़ी गहरा भी। जो गांव बनाया जाता है और इसी से लोग एक गांव से दूसरे गांव तो जाते हैं बीच में नदी। और ये रहा छोटा कुआं और कुछ नहीं यहाँ पे मछली, ये रहा मेढक। इस ब्लॉग में बस इतना ही, इस ब्लॉग में हम लोग देखे कि नदी के बीच में एक छोटा सा कुआं था और वहाँ से पानी वाटरफॉल टाइप से बहता था। बस आज के लिए इतना ही।